मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस कार्यकाल का चौथा बजट बुधवार को पेश किया। सीएम ने शहरों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की है। अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में 1,40,000 युवाओं को संभावित रोजगार जैसी बड़ी घोषणाओं के साथ साथ कृषि से जुड़े बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय खोलने की भी बड़ी घोषणा की। वहीं बजट को लेकर थारवासियों ने अपनी मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरहदी बाड़मेर के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। अपने तकरीबन 3 घंटे के बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में 1,40,000 युवाओं को संभावित रोजगार जैसी बड़ी घोषणा के साथ साथ कृषि से जुड़े बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय खोलने की बड़ी घोषणा की। अपनी बजट घोषणाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बायतू में कन्या महाविद्यालय, बालोतरा और बाड़मेर में जनजाति छात्रावास के रूप में सावित्रीबाई फूले छात्रावास की स्वीकृति की घोषणा की। धनाऊ और रिको थाना को बनाने, विशाला को उप तहसील बनाने की घोषणा की। अनार खेती के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा के साथ साथ बाड़मेर में अनार उगाने वाले खेतिहारों को 50,00,000 से 1,00,00,000 रुपये का अनुदान देने की बड़ी घोषणा की। साथ ही हर दूसरे साल सरहदी लोगों को आहत कर देने वाले टिड्डी आपदा से किसानों को बचाव के लिए 1,000 ड्रोन खरीदने की बड़ी घोषणा की। साथ ही बाड़मेर के सिवाना को नगर पालिका बनाए जाने की घोषणा की। रामसर, सिंधरी और सेड़ुआ में औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत की बड़ी घोषणा की गई। इन क्षेत्रों में विकास के लिए नए आयाम खुलते नजर आएंगे। सरहदी रेगिस्तानी इलाकों में 200 प्राथमिक विद्यालय खोलने की भी घोषणा हुई। वहीं बाड़मेर के लोगों ने बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, 36 ही कौम के सभी वर्गों को साधने का और लुभावना और सभी के हितेशी ये बजट प्रस्तुत किया गया। और इसमें मुख्य बात है कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में कृषि के लिए अलग बजट प्रस्तुत किया, और जिसमें किसानों को और जो जिस तरह का इसमें लाभ दिया, ऐतिहासिक बजट किसानों के लिए दिया। इसके साथ साथ कर्मचारी जिनकी पेंशन ये जो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, माननीय वाजपेयी साहब के समय ये बंद की थी, और जिसके लिए कर्मचारी कितने आंदोलन कर रहे थे, कितने प्रताड़ित थे, वो कर्मचारियों की जो मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को पूरी की। कांग्रेस सरकार बनने से पहले उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी वो एक भी पूरी नहीं हुई, उसकी एक भी क्रियान्वित हुई नहीं, मात्र थोथी घोषणाएं। आज संपूर्ण राजस्थान में हालात ये है। बाड़मेर जिले में विशेष करके मैं सी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, पेयजल किल्लत है और ज़बरदस्त हालात खराब है। जीरे की फसल भी खराब हो गई है, न ऋण मिल रहा है, न ऋण माफ़ हुआ है पुराना जो है, न वर्तमान में कोई कर्जा मिल रहा है, और इतने भयंकर हालात है कि लग भी नहीं रहा है कि सरकार है, किस प्रकार का कोई तानाशाही शासन है। इसलिए जितनी भी ये घोषणाएं हुई केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए थोथी घोषणा है। आज से पहले कोई एक भी इनका बजट में की गई घोषणा कोई अगर पूरी क्रियान्वित नहीं हुई तो निश्चित रूप से जितनी भी ये घोषणा हुई है एक भी पूरी होनी नहीं है, केवल थोथी घोषणा है। युवाओं को कोई फायदा नहीं दिया गया है, और जो ये कर्मचारी लगे हुए संविदा कर्मचारी उनको नियमित करने का इन्होंने जो साल भर में जो माहौल बनाया था चुनाव को लेकर, वो इन्होंने थोथी घोषणा थी, वो आज तक क्रियान्वित नहीं हुई है। और धरातल पर आज तक इन्होंने 4 बजट पेश कर दिए, और बजट में जो घोषणाएं हुई है वो धरातल पर एक भी पूर्ण नहीं हुई है। राजस्थान में अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, हर वर्ग के काम के लिए अशोक जी ने पूरा घोषणा की। बाड़मेर जिले के लिए क्या कुछ? बाड़मेर जिले के लिए बहुत घोषणा की है। बाड़मेर जिले में हमारे बाड़मेर विधानसभा में, विशाला में CSC की घोषणा, बाड़खा में और बहुत सारी घोषणा की गई। बजट जो अभी राजस्थान का जो पेश किया गया चौथा बजट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ये ग्रहणियों के हिसाब से इसमें और मध्यम वर्ग के ग्रहणियों के हिसाब से इसमें कुछ खास नहीं है।
और ये मतलब लग रहा है जैसे एकमात्र चुनाव के लिए और ये अपने हिसाब से बस उस लोगों को जनता को गुमराह करने के लिए ये सब पेश किया जाए। बाकी मध्यवर्ग की लेडीज के हिसाब से इसमें कुछ खास नहीं है। बहुत सी उम्मीदें भी हैं हमारे मुख्यमंत्री से और बहुत अच्छी चीजें दी भी है मुख्यमंत्री ने, जैसे कि सरकारी अस्पताल के लिए भी दिया है, चिकित्सा का दिया है, कृषि के बारे में भी दिया है और भी हमें उम्मीद है कि ये रेल सेवा वगैरह थोड़ी अच्छी कर दे। तो देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं हमारे। घरेलू बिजली भी सस्ती की है और घरेलू बिजली मतलब महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है। कुल मिला के ठीक ही है लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के लिए बहुत अच्छा था और हमारे व्यापारियों के लिए कुछ खास नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशन थी वही। तो कितनी आज थी बजट की उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी कि व्यापारियों को कुछ राहत मिलेगी लेकिन कोई राहत नहीं मिली। हम लोग सुबह से बजट देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए उपयोगी घोषणा हो, लेकिन सर महिलाओं के बारे में, बिजली के बारे में अभी तक कोई इतनी ऐसी खास घोषणा हुई नहीं जैसी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बचपदरा में 386 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल इन्वेस्ट रीजन बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिले के सभी 10वीं तक के स्कूलों को 12वीं तक करने की घोषणा की है। इसके साथ ही भाड़का PSC को CSE में बदलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की हर तरफ से तारीफ करते नजर आए, साथ ही सबसे अधिक खुशी राजकीय सेवा के कर्मचारियों में नजर आई। राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाड़मेर के सभी विधायकों ने बजट को जनहितैषी बताया।